हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम तीन फाउंडेशंस का कंपैरिजन करने वाले हैं, जो तीनों ही मेबलिन के फाउंडेशंस हैं। सबसे पहला है ये मेबलिन फिट मी फाउंडेशन, जो कि इन तीनों में सबसे पहले लॉन्च हुआ था। फिर लॉन्च हुआ था 24 आवर सुपर स्टे फाउंडेशन, एंड अभी जो न्यूली लॉन्च है वो है सुपर स्टे ल्यूमी मैट फाउंडेशन। ये भी सुपर स्टे है, ये भी सुपर स्टे है, बट दिस इज फुल कवरेज फाउंडेशन। इसमें मैट वगैरह कुछ लिखा नहीं है, बट दिस इज ल्यूमी मैट ऐसा लिखा हुआ है इसमें, एंड दिस इज फिट मी मैट प्लस पोरलेस फाउंडेशन। तीनों में मैं आज आप लोगों को कंपैरिजन बताने वाली हूँ। अगर आप मेरी तरह मेबलिन लवर हैं तो अपने डिफरेंट ओकेजन्स के हिसाब से आप अपने लिए इन फाउंडेशंस का चूज कर सकते हैं। आप चॉइस ले सकते हैं कि आज मुझे कौन सा फाउंडेशन यूज़ करना है, फेस्टिवल में कौन सा यूज़ करना है, वेडिंग्स में कौन सा यूज़ करना है, ऑफिस में कौन सा यूज़ करना है, जस्ट लाइक दैट। सो यस, सबसे पहले मैं बात करती हूँ इसकी, क्योंकि ये जो दो फाउंडेशन हैं, बाकी जो दो फाउंडेशन हैं, इसका अलग से कंपैरिजन वीडियो मैंने अपने चैनल पे बना रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जिसमें मैंने डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, समझाया है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। ठीक है, ये मुझे मैंने अभी तक दो ही बार यूज़ किया है, क्योंकि ये कुछ 4-5 दिन पहले ही ये मेरे पास रिसीव हुआ है, ख़रीदा है मैंने। ठीक है, एंड ये जो है शेड नंबर 230, क्योंकि ऑनलाइन शेड्स के चक्कर में ना मुझे शेड में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो रही थी, तो ये 230 शेड लिया मैंने, जो कि बहुत अमेजिंगली मैच कर रहा है मेरी स्किन टोन को। एंड आप देख सकते हो मेरे फेस एंड नेक में आपको कुछ खास डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे से मैच कर गया। नेक पे मैंने पूरी तरीके से मेकअप नहीं किया, जस्ट इतना ही अप्लाई किया, इधर मेकअप अप्लाई नहीं किया। दिस इज़ रियली हैवी, द पैकेजिंग इज़ रियली हैवी, एंड क्वांटिटी आई थिंक 35 ml की इसकी क्वांटिटी है फॉर ₹899, एंड इसकी 3 साल की शेल्फ लाइफ है। सो ये जो है ल्यूमी मैट, अगर आप मेरा फेस इस वक्त देखोगे तो आपको ये हाइलाइटर छोड़ के अगर आप बाकी एरिया देखोगे फेस का, तो मैट ही दिख रहा होगा, राइट? ल्यूमी मैट वाला कुछ इफेक्ट मुझे नहीं लग रहा है। बस मैं इतना कह सकती हूँ कि एक जो नॉर्मल मैट फाउंडेशन होता है, आप किसी भी नॉर्मल बजट फ्रेंडली ब्रांड का अगर आप एक मैट फाउंडेशन लेते हैं, सपोज फेस ब्यूटी का ले रहे हैं, शुगर का ले रहे हैं, जस्ट अ मैट फाउंडेशन, बिल्कुल वैसा ही है। हाँ, जब आप इसको अप्लाई करते हो तब आपको कुछ गीला गीला सा लगता है, आई मीन दिखता भी गीला गीला सा, बट पाउडर से सेट करो, सेटिंग्स पे लगाओ, उसके बाद ये वैसा ही हो जाता है, मतलब नॉर्मल सा मैट फिनिश। ये जो ग्लो है ये हाइलाइटर का, ये फाउंडेशन का नहीं है, एंड विदाउट एनी स्ट्रोक क्रीम मैंने इसको लगाया, क्योंकि मुझे देखना था कि ये एक्चुअल में ल्यूमी मैट का क्या मतलब है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कुछ खास डिफरेंस, कुछ खास इफ़ेक्ट नज़र नहीं आया। बस इतना मैं कह सकती हूँ कि ये ड्राई नहीं है, मतलब थोड़ा सा हाइड्रेटिंग है। अगर आप अपने फेस पे, मैंने इसको दो तरीके के, दो दिन यूज़ किए, दोनों दिन मैंने अलग अलग मॉइस्चराइज़र्स यूज़ किए। एक दिन मैंने, आज जो मैंने यूज़ किया है इस लुक को क्रिएट करने के लिए, वो था ये ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन के लिए हैवी मॉइस्चराइज़र क्रीम, उसके ऊपर मैंने ये लगाया है, जो कि काफ़ी गीला गीला ऑयली दिखता है फेस पे, बहुत ऑयली नहीं दिखता बट बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग दिखता है। उसके बावजूद ये उतना शाइन नहीं कर रहा है। दो दिन पहले जब मैंने शूट किया था तब मैंने ये यूज़ किया था, ये है हाइड्रो बॉम जेल, जो कि नॉर्मल मॉइस्चराइज़र है, बट नॉर्मल मॉइस्चराइज़र से थोड़ा ज़्यादा हाइड्रेशन देता है, और ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये हर तरीके के मॉइस्चराइज़र में ये काम कर जा रहा है, विच इज़ द बेस्ट थिंग। एंड मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो सुपर स्टे फाउंडेशन है फुल कवरेज वाला, इसमें वैसे मैट वैट लिखा नहीं है, बट ये बिल्कुल ड्राई पाउडर मैट फाउंडेशन है। तो ये जो है इसको लगाने के लिए आपको एक सेपरेट मॉइस्चराइज़र यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि ये स्किन को ड्राई करता है, एंड दिस इज़ ऑयल फ्री, एंड ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है। दिस इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप्स, इसमें स्किन टाइप ऐसे मैंशन नहीं है, बट वाटर प्रूफ, ट्रांसफर प्रूफ, स्वेट प्रूफ। सो लेट मी टेल यू, स्वेट प्रूफ का अभी तक मैंने कोई टेस्ट नहीं किया है। ये टेस्ट तभी होगा जब मैं कहीं बाहर जाऊंगी और इसको लगा कर जाऊँगी, क्योंकि शूट करते वक्त तो मुझे यूजुअली इतना पसीना नहीं आता है, एंड
अप टू 30 आवर वियर, एंड ये है 24 आवर वियर। सो ये जो 24 आवर है ये तो 24 आवर टिका रहता है, ये मैंने लगा के ही देखा है, 24 आवर रहता है ये, मैंने इतने घंटों तक लगा के नहीं देखा है। बट ये अगर 30 आवर का क्लेम है तो 30 आवर, 28-26 आवर तो मैं मान सकती हूँ, क्योंकि इसके जितने भी फाउंडेशंस मैंने यूज़ किए हैं वो एक्चुअल में क्लेम जो है वो साबित करते हैं, ठीक है। एंड इसमें लिखा हुआ है कि ये ट्रांसफ़र प्रूफ है, सो इट इज़ ट्रांसफ़र प्रूफ। बहुत नेग्लिजिबल हाथ में आ रहा है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, पर बहुत नेग्लिजिबल आ रहा है, वो भी ज़ोर से रगड़ने पे। सो इट इज़ ट्रांसफ़र प्रूफ एंड बिल्डेबल, यस। जब मैंने इसको पहले दिन यूज़ किया था, फर्स्ट डे, तो मैंने इसका सारा डिस्क्रिप्शन पढ़ा, उसके बाद यूज़ किया। पहले मैंने थोड़ा सा लेयर लगाया तो ये बहुत मतलब ऐसा लग रहा था कि मेरे फेस पे कुछ इसने कवर ही नहीं किया, मैंने बहुत हल्का सा सुपर लाइट कवरेज फाउंडेशन लगा लिया, मुझे ऐसा फील हो रहा था। फिर जब मैंने पढ़ा कि ये बिल्डेबल कवरेज है तो मैंने दूसरी लेयर लगाई और थोड़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में लगाई तो मुझे फुल कवरेज मिला, एंड ये बिल्कुल भी केकी नहीं हुआ। जैसा कि मैंने आपको कहा, ये बहुत ही अच्छा हाइड्रेटिंग फाउंडेशन है, केकीनेस मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई, एंड इट लुक अमेजिंग। अभी भी आप देख सकते हो बहुत अच्छा दिख रहा है, एंड बहुत नेचुरल फिनिश दे रहा है, एंड शेड परफेक्टली मैच कर गया है इसलिए नेचुरल फिनिश दे रहा है, एंड वेटलेस फील है। एक्चुअल में लगाते वक्त कुछ ऐसा हैवीनेस सा नहीं लग रहा है, वेयर एज इसमें थोड़ा सा आपको पता चलता है कि आपने फेस पे कुछ लगाया हुआ है। एंड ये जो है ये बिल्डेबल वगैरह नहीं है, ये डायरेक्टली फुल कवरेज है, ये नॉर्मल 24 आवर सुपर स्टे फाउंडेशन है। मतलब आप इतना सा भी लगाओगे तो वो उस एरिया को फुल्ली कवर कर देगा, इट इज़ सुपर डुपर फुल कवरेज फाउंडेशन। आप फुल कवरेज का जितना ज़्यादा कवरेज आप इमेजिन कर सकते हो ये वैसा फुल कवरेज फाउंडेशन है। अगर आप किसी मेकअप आर्टिस्ट को ब्राइडल मेकअप वगैरह करते देखते हो इसी तरीके से वीडियोस में, और उसमें आपने देखा होगा कि वो मेकअप थोप रहे हैं, तो ये बिल्कुल वैसा ही फुल कवरेज फाउंडेशन है। एंड अगर आप इसको कम लगाओगे तो कम कवरेज मिलेगा, बट इट इज़ बेसिकली फुल कवरेज फाउंडेशन। एंड ये बिल्डेबल है, मतलब आप इसको कम लगाओगे तो लो कवरेज मिलेगा, थोड़ा ज़्यादा लगाओगे तो मीडियम कवरेज मिलेगा, और कम मतलब नॉर्मल क्वांटिटी में लगाओगे तो मीडियम कवरेज मिलेगा। एंड फुल कवरेज बनाने के लिए आपको इसको ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करना पड़ेगा, तो क्वांटिटी वाइज दिस इज़ गुड। कम क्वांटिटी में आपको फुल कवरेज मिल जाएगा, इसमें आपको फुल कवरेज के लिए ज़्यादा क्वांटिटी लगेगी, बट अगर आप मीडियम कवरेज लवर हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसी फाउंडेशन को आप अलग अलग ओकेजन्स में क्वांटिटी कम ज़्यादा करके यूज़ कर सकते हैं, ये केकी नहीं लगता है। ये वाला जो है ये 750 रुपीज़ का है जब मैंने लिया था, एंड अभी इसकी कीमत आई थिंक 799 या 850 हो चुकी है। एंड ये 30 ml है, ये 35 ml है। टोटल पाउडर मैट फिनिश एंड सुपर फुल कवरेज, नॉर्मल मैट फिनिश एंड बिल्डेबल फुल कवरेज, एंड क्वांटिटी आपको बहुत ज़्यादा लगेगी अगर आपको फुल कवरेज चाहिए तो। नॉर्मल फाउंडेशन, नॉर्मल फुल कवरेज फाउंडेशन से आपको ज़्यादा क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। एंड दिस इज़ अ मीडियम कवरेज फाउंडेशन जो कि छोटे से ट्यूब में भी आता है एंड इस तरीके के जार में भी आता है, 30 ml के जार में, जो कि अराउंड 699 और 599 के अराउंड आता है, ठीक है। सो ये जो है मीडियम कवरेज फाउंडेशन, अगर आप नॉर्मल क्वांटिटी लगाते हो आपको मीडियम कवरेज मिलता है, और जब आप इसको फुल बनाना चाहते हो तो आप लेयर लेयर लेयरिंग कर करके इसको फुल कवरेज बना सकते हो। दिस इज़ बेस्ट फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन, क्योंकि ये बहुत अच्छा बिल्डेबल है। इतना अच्छा बिल्डेबल इसमें नहीं लगा मुझे, जो कि नया वाला है जिसमें लिखा हुआ बिल्डेबल, बट दिस इज़ रियली नाइस। इसका बिल्डेबल जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा है, आप एक्ने के ऊपर बिना कंसीलर के एक्ने को हाइड कर सकते हो इससे लेयर करके, जबकि ऐसे सिचुएशंस में एक्ने स्पॉट्स वगैरह छुपाने के लिए हमें कंसीलर की ज़रूरत पड़ती है जो बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, एंड इससे भी हाइड कर सकते हो, बट ये ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा आपको। ये जो है इस साइज़ में अवेलेबल है, इन दोनों में ये साइज़ अवेलेबल नहीं है। ट्रैवल फ्रेंडली है एंड कंसिस्टेंसी मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी।
इसको आप मॉइस्चराइजर में मिला के लगा सकते हो। अगर आपको बहुत हल्का सा टिंट चाहिए तो आप इसको मॉइस्चराइजर में मिला के लगा सकते हो, विच इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। एंड एवरी डे के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। मैट प्लस पोरलेस, आप इसको बिना प्राइमर के भी यूज़ करोगे तो भी ये 5 से 6 घंटे आपकी स्किन पर टिका रहेगा। प्राइमर के साथ यूज़ करोगे तो अराउंड आपको 10 से 12 घंटों का लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट मिल जाएगा। बट लास्टिंग इफेक्ट पे मैं एक बात कहना चाहूँगी, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि ये 24 आवर सुपर स्टे फाउंडेशन है एंड ये 24 आवर टिकता है, बट गर्मियों में मैं इसको 24 आवर तक नहीं कैरी कर पाती, ये पसीने से बहने लग जाता है एंड जब आप इसको पोंछते हो तो वो निशान बना रहता है कि यहाँ पे मेकअप हट गया है। अगर मैं इसको गर्मियों में लगाती हूँ तो नो वंडर ये भी बहता है, पसीने में ये भी स्मज होता है, लेकिन जब मैं उसको पसीना पोंछती हूँ तो उस एरिया पे हल्का सा इसका टिंट रहता ही है, तो पता नहीं चलता है कि मैंने मेकअप पोंछा हुआ या पसीने की वजह से ख़राब हो गया। ओवरऑल पूरा फंक्शन ख़त्म होने के बाद पसीने के बावजूद आपका फेस नेचुरल ही दिखाई देता है, इसलिए मुझे ये फाउंडेशन बहुत पसंद है। जबकि इसके साथ ऐसा नहीं, क्योंकि ये सुपर फुल कवरेज है तो कहीं कहीं पर अगर मेकअप थोड़ा सा हट गया है तो वो क्लियरली दिखेगा कि यहाँ का मेकअप हट गया, यहाँ का मेकअप हट गया, बाकी गाल में लगा हुआ ये क्लियरली दिखता है। इसमें नेचुरल फिनिश ही लगती है। अब गर्मियों में जब मैं इसको यूज़ करूँगी तब मैं इसके स्वेट प्रूफ क्वालिटी के बारे में एक शॉर्ट में आप लोगों को बता दूँगी। कंसिस्टेंसी के बारे में जल्दी से बात करते हैं, तो यहाँ पर मैंने प्लेट ली हुई है, ये लिया मैंने फिटनी वाला पहले, फिर उसके बाद मैं लेती हूँ ये 24 आवर वाला, ओके, एंड उसके बाद ये न्यू वाला फाउंडेशन। आई होप आप लोगों ने थोड़ा कुछ नोटिस किया होगा। सी, तो ये है फिटमी फाउंडेशन जो कि नॉर्मल थिक क्रीम जैसा फाउंडेशन है। ये है सुपर स्टे फाउंडेशन जो बहुत ज़्यादा थिक है एंड आपको ब्लेंड करने में भी इसको मेहनत करनी पड़ेगी। ये है न्यूली लॉन्च वाला सुपर स्टे फाउंडेशन जो कि थोड़ा लिक्विडी है, इन दोनों के कंपैरिजन में काफ़ी लिक्विडी है एंड ब्लेंड करते टाइम भी आपको बहुत हल्का लगेगा। उंगलियों से ही आप ब्लेंड करके देखोगे तो ऐसा लगेगा कि मैं कोई बहुत लाइट वेट एलोवेरा जेल टाइप का लाइट वेट चीज़ जो है अपने हाथों से इस तरीके से स्मच कर लूँ। दिस इज़ रियली गुड। तो ये फाउंडेशन जो है उंगलियों से भी ब्लेंड हो जाता है, ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड हो जाता है एंड ब्रश से भी ब्लेंड हो जाता है। सुपर स्टे मैट फाउंडेशन जो है वो ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड होगा, उंगलियों से ब्लेंड करने की कोशिश मत करना। दिस इज सुपर फुल कवरेज फाउंडेशन, ये हर टूल से ब्लेंड हो जाता है। आप स्पैचुला से लगाओ, ब्यूटी ब्लेंडर से लगाओ, ब्रश से लगाओ या उंगलियों से ब्लेंड करो, दिस इज ऑल पर। तो ये तीनों का कंपेरिजन था। इन शॉर्ट, अगर आप एवरीडे मेकअप करना चाहते हो, ऑफिस जाते हो, रोज के लिए कोई मेकअप चाहते हो, गुड, ठीक है। अगर आपकी स्किन ड्राई है और आप एवरीडे मेकअप चाहते हो तो आप इसको कम क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हो। एंड जब आप ओकेजनली कुछ फुल कवरेज मेकअप चाहते हो, पार्टी है, ब्राइडल मेकअप है या ब्राइड्स मेड मेकअप है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो जो कि सुपर फुल कवरेज फाउंडेशन है, बट ये ड्राई स्किन के लिए नहीं है। समर में आप ड्राई स्किन पे उसको यूज़ कर सकते हो, विंटर्स में अगर आप ड्राई स्किन पे यूज़ करने वाले हो तो कुछ ट्रिक्स फॉलो करने पड़ते हैं ड्राई स्किन के लिए, वो फॉलो करके आप यूज़ कर सकते हो। एंड दिस इज़ फॉर ड्राई स्किन, आप ज़्यादा क्वान्टिटी में यूज़ कर लो एंड फुल कवरेज बना लो, बट स्टिल दोनों के फुल कवरेज में बहुत ज़्यादा अंतर है। ये पूरा एक लेयर ही आपकी स्किन पे दिखेगा कि आपने एक लेयर लगाया है एंड ये उतना लेयर नहीं दिखता है, बट नेचुरल दिखता है, दोनों ही नेचुरल दिखता है, बट जब आप दोनों को लगाओगे, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, बट ये ज़्यादा फुल कवरेज है, ये नॉर्मल फुल कवरेज है, बस इतना कह सकती हूँ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा हो। अगर यूज़फुल रहा हो तो लाइक करके शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।